हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कीप इट सिंपल बट सिग्निफिकेंट। आई एम योर होस्ट शशि। लेट अस स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। इन विच ईयर वाज द हाउस ऑफ प्यूपिल नेम्ड एज लोकसभा? हाउस ऑफ प्यूपिल का नाम लोकसभा किस ईयर में किया गया? तो ये किया गया 1954 को, 17 अप्रैल 1952 को, जब आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ये आपका हाउस ऑफ प्यूपिल को बना, उस दिन पहले मीटिंग हुई थी। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ, 14 मई 1954 को हाउस ऑफ प्यूपिल का नाम बदलकर लोकसभा रख दिया गया, 14 मई 1954 को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? उनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? तो इनमें से एबोल्यूशन ऑफ टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, बाकी ये तीनों ही फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। और ये जो है ये एक फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 18 में ये लिखा है। ओके, द स्पीकर वोट इन द लोकसभा इज कॉल्ड, स्पीकर वोट जो होता है लोकसभा में इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कास्टिंग वोट। ओके, डिसाइडिंग वोट या कास्टिंग वोट इसको कहा जाता है। नॉर्मली स्पीकर पार्टिसिपेट नहीं करता वोटिंग में, लेकिन जब टाई की कंडीशन आती है तो स्पीकर अपना कास्टिंग वोट देता है। हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द सजेशन फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट इन 1935? तो ये एम एन रॉय थे, आंसर इज डी, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए सजेशन दिया था और इसको एक्सेप्ट किया गया था 1935 में। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की ऑफिशियल डिमांड थी और इसको एक्सेप्ट किया अगस्त 1940 में, अगस्त ऑफर में इसको एक्सेप्ट किया। उसके बाद कैबिनेट कमीशन प्लान जब आया 1946 में, तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बैठाया गया। वॉट इज़ द मैक्सिमम टर्म ऑफ पंचायत इन स्टेट? स्टेट में मैक्सिमम टर्म कितना होता है पंचायत का? तो ये होता है 5 ईयर्स का। 73rd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, इसमें पंचायत को शामिल किया गया था, और इट कैन बी डिजॉल्व बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म। जैसे लोकसभा डिजॉल्व होती है, वैसे ये भी डिजॉल्व किया जा सकता है। द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन सबमिट हिज और हिर रिजाइनेशन टू, जो चेयरपर्सन है नेशनल कमीशन ऑफ फॉर वुमेन का, ये अपना रिजाइनेशन किसको देंगे? तो ये देंगे अपना रिजाइनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को। ओके, इन विच ईयर दमन एंड दीव वर सेपरेटेड फ्रॉम गोवा? गोवा से दमन एंड दीव कब सेपरेट हुए थे? तो ये सेपरेट हुए थे 1985 को। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिजाइनेशन ऑफ हिंदी इन इंडिया? हिंदी का करेक्ट डिजाइनेशन पूछ रहा है, क्या है करेक्ट डिजाइनेशन? है द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, और ये किसमें बोला गया है? आर्टिकल 343(1) में ये बोला गया है कि द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया ये हिंदी ही होगा। ओके, हिंदी जो देवनागरी स्क्रिप्ट है उसको इसको ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया, और इंग्लिश भी यूज किया जाता है फॉर ऑफिशियल पर्पस। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विथ द अपॉइंटमेंट ड्यूटी एंड टेन्यूर ऑफ द एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया? कौन सा आर्टिकल है जो डील करता है अपॉइंटमेंट ड्यूटी एंड टेन्यूर ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया? तो ये है आर्टिकल 165। ओके, द गवर्नर ऑफ ईच स्टेट शैल अपॉइंट ए पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी ए जज ऑफ हाई कोर्ट, तो उसको बना देंगे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। एंटी डिफेक्शन लॉ इज गिवेन इन विच स्केड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? किस स्केड्यूल में दिया गया है एंटी डिफेक्शन लॉ? तो ये है 10th स्केड्यूल, आंसर इज सी, द 10th स्केड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल्सो कॉल्ड एंटी डिफेक्शन लॉ, वॉज अमेंडेड इन 1985। ओके, और ये किस लिए, इसका एम क्या था? इसका एम था टू प्रिवेंट पॉलिटिकल डिफेक्शन एंड स्टॉप पॉलिटिशियंस फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज फ्रॉम
अगर कोई ऑफिस का लूट देता है कि कहता है कि हम आपको ये मंत्री बना देंगे, ये कैबिनेट आपको सौंप देंगे, तो इस वजह से इस एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।